कहा गए हमारे ये नहीं दिखा रहे हमारे पप्पू का गज्जा तरह जब आ रहे हाय और सुनो कहीं की मार में सो हम चुनाव खाने आए। अच्छा बेटी का मुंह सब का बचो बैठ जाओ बैठ का कर रही थी झाड़ रहे झाड़ रहे हाँ काय को झाड़ रहे तीनों भालो हो जाए तीनों आजकल की बम्बियों कछु नहीं जाती जा तो बताओ देखो हमारी बुरी पुरानी हमारी सहेली बैठी आजकल के जमाने में कुत्ता कुचिया बैठा तो झाड़ पहुंच के बैठा और कुत्ता कुचिया को नाम तो परमेश्वरी हमारी लहार से आ जाता ठीक परमेश्वर हमें इनसे बहुत प्रेम है तेरे को को है बे है को है छोटे बच्चे के बेन है देवर है अच्छा देवर है क्या क्या की शकल देख लो चाहे तुम अपने कक्का की देख लो बल को भज्जा भज्जा से लगा यह सुन सब तो सलाह ना फरक को बागो बड़े बड़े छब्बा सब ये बोल गए जब ये कहीं बेराटी है अब क्या करे हम तो कछु नहीं किया पाती है फालतू की बातें नहीं करो करो कक्का की बुराई करते तो क्या मैं काय करे क्या कह रहा है कक्का तुम्हारी सुन ले सो तुम्हारी धुनाई सी घर दे सुनो हम तुम्हें बता बेटा हो कहो की दूसरे की बात ना कहो अपनी कसम की तो हम कर में सुंदर बता दी थी सही बात ठीक है बैठ जा बैठ जा बैठ जा देखो हम तुम्हें बताए बेटा हो आजकल के जमाने में कुत्ता कुचिया बैठा तो झाड़ पहुंच के बैठा खरीद कुतिया है क्या क्या कह रही कुतिया है और जीने जाकर और जो तो भीतरे रोजी ने चर्चा होती बोले तू हमें ऐसी नहीं जाते हमें लगा पूरा खानदान है का बताए भगवान क्या कह रहा सर जी तेर बोल बेटा हम तुम्हें सही बता बंगे हो कौन बात हो अगर आदमी दूध से जर जा तो मठा भी फूक फूक बिगड़ है ना एक समय की बात देख हम तो बताए हमारे मायके में हमारे भतीजों को आवा ब्याह काऊ के घर है भतीजी को ब्याह आ जाए सबरी फुगा लगती पहले है ना खाना का देखो हमारे भतीजे को भी आवा तुम को हमें तो जाने चाहे आज पिछले सास ने मैं ठमारी हो लेकर मायके को भागे तेर को बेटा हम तुम्हें कहा बताए और हमारे जो है मायके में जैसे जो कर अब का कर रहे हैं हर बात में कहा चौका चौका कर रहे हैं चौका कर रहे हैं का कर रहे हैं उनकी नकद लग जाए बिजली वाले की जो ट्रांसमीटर की गिर रही है नहीं कसी तेर को बेटा तुम देख रहे 11,000 की लेन है अगर गिरी का नियत हो गई तो फाल हो जाए ना क्या मार दे इस ख्याल से हमें साथ में पड़ा अच्छा अच्छा साथ रहे हाँ जैसे भतीजी को ब्याह हुआ हम 15 दिन अपने से पहुंच गए थे हाय बंगे बिटिया हो हमने खूब मटिया ना लगवा चूल्हे चकिया बनाए सबरे देवरी देवता पुजवाए और जैसे टीका को देना आओ हम इतनी भयंकर थक गई हम तुम्हें कहा बताए का बताएं जी जब हम बताएं जे है हमारे फप्पू का ससुर वो है इन्हें चोबी महाराज को नहीं जानती वो मर गए वो हमारी वो हमारी इनकी पटरी खाओ पटरी खाओ काय खाओ काय खाओ के नाव और ब्राह्मण तो किस सामर रहता ही है सही बात हाँ हम दे पंडित है हम नान है हमारा तो वैसे गोथ में जाना और इंसान सही बात है सुनो तो ले अब परमेश्वरियों को हम बताएं तुम्हारा पर तुमसे काका नंदेव की कथा अपनी मताजे 20 रुपया जो हसीम डीजे साउंड सर्विस एवं डेकोरेशन लाइव सजावट मेन रोड पूछ सकंदरा जिसके ऑपरेटर यानी प्रोपराइटर हमारे शंकर भाई साथ में हमारे संतराम भाई सिकंदर निवासी अरे नाम पक्को क्यों दे रहे 20 और 20 को वादे बुलाओ उसको फीस आप तो मियां को होगा अपने जाओ आप समझो बात को आप करनी हो गई हो तेरे आज मीटर बना तो आप पौने 2 बना लो हाय मेरी बिटिया तो जैसो टीका को देना आओ हमने अपनी मताइस की मताई हो हमने सो जाए और जैसो टीका हो लगे मुझे जगा ली तू मताई बोली हाओ हाय मेरी बिटिया हम तो परखे मरवा तेने सो गए हम सो गई भज्जा पेट है लड़का की फिर गई
सब सच होगा। टीका पे बारात आ गई, जैसे टीका पे बारात आई वो बारूद वाले ने गोला घर घालो, गोला वो फटा, वो हम भी हो सो रही थी मेरे के भगवान घला घर हो जाने का, और जैसे हम द्वारे को करी को न दिखावे मत आई मौसी बहने सब टीका देख रहे, और जैसे हम जगी गर्मी की सीजन सो डालडा की पूरी खाई सब मेरे मुँह सूखे, हमने कि चलो पहले पानी पी लो फिर टीका देखे, बेटा हम आलो बालो बन गई थी ऐसे उघारी पुघारी वो हम पहुंच गई मड़वा चले जितने मेहर की गगरी धरी थी वो बेटा मैं जाकर ऐसे बैठ गए। फिर क्या हुआ? मैंने लुटिया उठाई, उठा के लुटिया मेरे की गगरी को पानी ठंडो पिए, बेटा जैसे मैंने गगरी टेढ़ी करी पानी के लाने वो बाकी नकच्चा लग जा है, बेटा बिच्छू बैठो तो गगरी की ठंडक तरे, बगल पे बैठो बिच्छू जैसी गगरी टेढ़ी भाई वो सरको सरक सरक कर, बेटा मैंने नहीं करो ध्यान वो खगड़िया में फंस गया, और बेटा जैसे ही मैंने पानी दो घूंट पियो वो बाकी नकच्चा लग जा तुम्हारा मचाई वाले टुक करता हम लुगड़ा से छूटा बेटा हम लोटी लोटी फिरे वो बताई गए वो कक्का वो मम्मा मैं भी छूने काट खाओ, बेटा सबरे टीका भूल गए हम लोटी लोटी फिरे, हमारे दादा आ गए मम्मा आ गए फूफा आ गए बेजाना ते नाव की आई, हमारे फूफा बोले कम करो मरी गर्मी की सीजन है हमारे मुँह से फंसू का डाल लगो, बेटा हमारे दादा बोले एक काम करो चूल्हे की राख लिया, चूल्हे की राख आ गई मम्मा ने मंत्र पढ़ पढ़ कर पढ़ पढ़ कर दीपे हमसे बोले कहा बेटा कितने काटो बताओ हम वहाँ में बंद लगा दो सो ठीक हो जाए, वो बेटा बाकी नकच्चा लग जाए वाली ऐसी जगह काटो हम बता ना पाओ, हमारे मम्मा का बेटा बेटा कहाँ काटो, हमने कहा हमें नहीं काटो हमें नहीं काटो तुम्हारे पर, तो बेटा जब वो ऊपर को चमकोड़ दिए में सब प्राण खड़े हमने कहीं मारे गए बताई बोली हत्या नहीं बता का नहीं, हमने कहीं तुम्हारा बोलवाई काटो तो है हम कहा बताए तुम्हें, जब मैंने मताई के कान में कही बेटा जब मताई ने दही काढ़ो 100 ग्राम तब बने रखो जब बाजरा की मिट्टी के आज की मिट्टी, बेटा हम कहूँ बेटे पहले फटकारी दे दे देखो हाथी चिंटी को छलकर हम बिच्छू को चलो पुलाव पे लगा लो, अब क्या बताओ तुम्हें कछु पता है जो कारी पुलाव काहे के लाने हैं तुम्हें कछु मालूम है कारी हमें काहे को पता का होगा, महाराज की फूटी आंख खुल गई, हे मेरी बिटिया महाराज की फूटी आंख खुल गई, ए चंदा किया हां एक बात बता बेटा के केरी महाराज की फूटी आंख खुल गई, देखिए हमें जा बता महाराज की फूट कब गई थी तो फालतू की बात करते हो, कह रही महाराज की फूटियां खुल गई तो हमने जाने कब फूट गई होगी, देखो हां महाराज की किस्मत खुल गई का काऊ को गुम्मा ढेरा पा पर किस हम जा रहे हैं ठीक है अब का बताओ तो सीधी सच्ची है तुम्हारा गुलमत है मेन बात मैं कम जानती हूं, देखो सीधे को जमानू नहीं आ का हुआ देखो, हेलो महाराज के चार पुत्र हुए, महाराज के चार पुत्र भगवान ये भगवान सुरक्षित रवे सुरक्षित रवे, बेटा हम जहाँ से रो रही ये कई बाल बच्चों जनी मांस के होट बेचारी लोटी लोटी फिर पूरा परोसने आज जब नहीं डटे तो नर्सियां हैं, जब महाराज के चार पुत्र भाई तो हमें लगा महाराज चार इमरजेंसी बाद में ऑक्सीजन में हमें बंगन को अकल शासन को तो खूब अकल है हम भूली पुरानी कारी मेरे का क्या बीतो से का कह रही थी अभी थे क्या कह रही थी मोरा के मोरा के दर्जा को दूध पिला रही थी जो उम्र में बीमारी हो रही है सुन रही तेरे पर जैसे हमने भैंस के दो खे निपटी और जब तक तेरे कक्का को एक लीटर ना पिला दे जब न हम को काम नहीं देखती अरे मर गए और तेरे का जानी भैंसिया को पिला रही थी और तेरे का समझी हम तेरी समझ रहे थे तेरो भलो हो जाए तेरो कब अगर कोई दूध बेचत हो दूध बेचत हो तो आदमी नहीं बोलते क्या बच्चे हमें दूध दे रहे अब जो कर लो वो आदमी दूध दे कर लेगा वो बेच जाते भाई सर दूध वालों का नहीं कर तो इसलिए जो 60,000 की हम भैंस के घरे मांगे
वैसे कहिए पुत्र की खबाई खसम की खबाई जो कहाँ जा जो तो घर में है चांद कहका है का कारी हाँ कौन की दुकान है कारी दुकान यही का कारी हम का राजवाड़ी है का केरी कौन की दुकान है हम आदमी खुद शौकीन है ओ तेरो आदमी भी है जा क्या कहते हैं हाँ अपने खसम को नाव नहीं लाओ अच्छा हाँ बता दो हम कोई तो नहीं है हमारे आदमी को नाव है संतोष लल्ला संतोष लल्ला के घर से है बेटा जिस मेरा आदमी चिड़िया में घूमत ऐसे लगा जैसे हरियाणा को साल आ रहा हो भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा बेटा सही बात है तेरे को बेटा हम तुम हंस कर निभा के चले बाप बताए का करे बेटा निभाने है का करे बेटा हमें पति की निभाने हमें अपने बाप बताई की निभाने कैसी दो दो मांगे भरी एक मांग सासरे की भरी एक मांग मायके की भरी एक सासरे की भरी एक मायके की देखो हम तुम्हें सुना बेटा आजकल बम्बे बीच में हो कक्को की बात एकदम न लगाओ करी हाँ तुम्हें यह लगे कि कक्को चौका में आने लगे हम गेलिए से लौटे आओ तो ये दो मांगे इसलिए है बिटिया बई है जी की सासरे में मांग हो बाकी मायके में भी मांग हो अगर सासरे में आ गई तो बाप बताई कह रहे पूरा पास में कक्को कह रहे तेरे को कहा भाई तुम्हारे बिन्नू कभी आए यानी उन्हें मांग है कि बिटिया मायके आ जाए और मायके से ससुराल पहुंच जाए हमारी सास कर लगती खबरी खबरी तुमने बहू को काय पहुंचा दो तुम जल्दी बुला लो हमें बहुत बुरा लग रहा तो मेरी मायके में मांग है हाँ बेटा हम दो तरफी मांग भरती दो तरफी की मांग अच्छा बाकी मांग की बात कर रहे हो तुमने कहा जानी हाँ कछुआर समझ हाँ बेटा ये तो सब उसी मांग है केवल फोकस के लाने अच्छा लेकिन खानदानी वही बहू बिटिया है जी की दो जगह मांग हो सासरे में ना मायके में एक काम करो बेटा बैठ के बात जब बम में बिठ के जैसे बैठे कक्कों की बात सुनने में लाने हैं तुम चिंता ना करो कल हम तुम्हारी राय का तुम्हारा चाहे ये जब का होगा हम बहुत राय काटते समझ समाज लिख जाए या समझ ग्रामवासी लिख जाए तो सबको ही निमंत्रण है राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अब नरेश महाराज के महलों में चार पुत्रों ने जन्म लिया अब जा मैं बुराई ना मानियो के नान का कोने का छूटने के नाम ले दे भाई दो चार छह दस नाम तो नहीं जा अगर हम गांव भर को नाम ले हैं तो सवेरे जय बेरा में नहीं निपट पे है इसलिए हमें बाल बच्चे भी देख ले कभी भी सुने अरे राजा जो हमारे रामलीला मंडल के गुरु हैं पंडित श्री अरे सुरेश बाबू ये हमारे सुरेश बाबू चतुर्वेदी पप्पा जी अरे सुरेश बाबू जी तुम्हें तो आ जाइए परपरा पड़ोसों संग में लइयो साहेब पप्पा जी का करे बेचारे हैं अब नंद हुए हमारी नंदवाई बेचारी चली गई इसलिए अरे सुरेश महाराज जी तुम्हें आ जाइए अपना पड़ोसों संग में लइयो और सिमरन
कैया को भूल न जइयो जे हमारे शिवराज ककैया रामीरा कमेटी अध्यक्ष हाँ तो कचैया से ना हो नहीं तो कोई भाग जाओ नाम पर तो बस ध्यान करियो अरे शिवराज ककैया को भूल ओ भगानी बानी